जहानाबाद जिले में पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन के तीसरे दिन घोसी के जिला परिषद पद के लिए मगध डेयरी के पूर्व चेयरमैन और भाजपा के जिला उपाध्यक्ष कमलेश शर्मा ने गुरुवार को जहानाबाद अनुमंडल कार्यालय में अपना नामांकन करवाया है। आपको बता दें कि भाजपा जिला उपाध्यक्ष के नामांकन को लेकर अनुमंडल कार्यालय के बाहर अम्बेडकर चौक पर काफी गहमा गहमी का माहौल भी रहा। इसी बीच नामांकन हो जाने के बाद कमलेश शर्मा के बाहर निकलते ही समर्थकों ने बारी बारी से उन्हें माला पहनाया और बुके देकर स्वागत भी किया है। इसके बाद समर्थकों ने उनके समर्थन में जमकर नारेबाजी भी की। वहीं कमलेश शर्मा ने बताया कि वह घोसी के विकास के लिए हर संभव तैयार रहेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गांव के क्षेत्र में जाकर उन्होंने जनता का आशीर्वाद कहा कि वे आम लोगों के सुख दुख को हमेशा समझते हुए उनकी समस्याओं का समाधान करते आ रहे हैं, जिसकी मजदूरी का परिणाम आम जनता इस बार उन्हें अवश्य देगी। इसके साथ ही बिना नाम लिए उन्होंने अपने विपक्षी पर हमला करते हुए कहा कि जो लोग वंशवाद और परिवारवाद के विरोध में नारा लगाकर अपना चेहरा चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, आज वे लोग उसी दलदल में पड़कर दूसरे जगह से यहां का चुनाव लड़ने को सोच रहे हैं। नॉमिनेशन में जुटे लोगों की भीड़ को देखकर कमलेश शर्मा की खुशी शीर्ष पर दिखाई देने लगी। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि जिस तरह लोगों ने मुझ पर अपना भरोसा जताया है, उसी प्रकार मैं उन सभी की उम्मीदों पर अवश्य खड़ा उतरूंगा। जहानाबाद से कुणाल किशोर की रिपोर्ट। सभी लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया और कहा कि मेरा नॉमिनेशन होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि मैं भारतपुर हूँ और शाहपुर पंचायत में दो लोकल कैंडिडेट हैं। हाँ, सभी लोग बाहरी हैं। कुछ लोग ऐसे हैं वंशवाद और परिवारवाद का नारा देकर अपने को चेहरा चमकाए और वही आज परिवारवाद पर और वंशवाद पर बाहर से आकर लोग। सर, किन किन मुद्दे पे आप चुनाव लड़ा? विकास 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 मुद्दा है और युवाओं का रोजगार। जिंदाबाद। क्या नाम हुआ सर? कमलेश शर्मा।